कैसे पॉल स्टार्लिंग ब्रदर, फिर हम तो इंडिया को हराने का फुल तैयारी करता, आप कैसे करता कप्तान ने? हम तो बढ़िया बल्लेबाजी करके देगा, अभी बढ़िया बल्लेबाजी करना, इनको ऐसा ठोकता हम। अबे ओ एंड्रयू बिल बरेनी के बच्चे, बस कर रहने दे। अबे फोकट में खाब नहीं देख, सपने नहीं देख। सपने आदमी वो देखे जो भूतनी के हकीकत करने की ताकत हो। हम तो आपको रोंद के रख देंगे, क्यों पंगा ले रहे हो खामखा? छोड़ यार रोहित भैया, जानने दे यार, हल्की हल्की टीम में अपना रूह राजी कर रहे हैं। बोल के भैया बोलने दो, बाकी मैच होने दो। इससे पहला और अगले दिन हम यूएस वालों को पेलेंगे, इनको क्या लगता है ये हमसे जीतेंगे? बाबर भैया जाने नहीं दो, ठोकेंगे आयरलैंड का पता नहीं, हमारे इंडिया वाले ठोक डालेंगे, लेकिन आपको तो हम पक्का पेलेंगे, वो भी बिना तेल बेल लगाए, देख लेना, और तुमको करेंगे बार देखना। पटेल बुरादर, आप पाकिस्तान को ठोकता, हम क्या इंडिया को छोड़ता, तुम्हारे लिए अपना देश होता। हम तो भैया पेल के रख देगा, फिर पाकिस्तान इंडिया की मैच में जो हारा हो उसका पत्ता साफ और दोनों का हो जाएगा, देख लेना। हम जाएंगे आगे, दूसरा तुम आ जाना। अबे पॉल स्टार्लिंग, बस कर भूतनी वाले हमसे जीतेगा, ऐसे रौंदेंगे भैया मैं और रोहित ओपनिंग करेंगे। क्यों बाबर भैया, हम भी तेरी तरह ओपनिंग करेंगे, और तुम भी खुद ओपनिंग करना। इनको क्या लगता है ये हमको बाहर निकालेंगे दोनों को? कोई बुरा डर लगता नहीं, हम पहलेंगे पाकिस्तान को तो पक्का पहलेंगे। 6 तारीख को छट्टी का दूध पिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3-4 बल्लेबाज ऐसे मेरे को मिला के जो किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाकी ये तुम्हारे देश का कप्तान, ये तो फारुक है, हम ही काफी है, तुम कभी ठोकेंगे। अबे बस कर अरुण के बच्चे, भूतनी के कनाडा की 2-3-4 नंबर की गेंदबाजी को पेल के भूतनी का खुश हो रहा है, इधर तेरे सामने पाकिस्तान की गेंदबाजी होगी, तेरे को लुल कर देंगे सुनने पर, और बल्लेबाजी कैसे करते हम बताएंगे आपको ठोके। फकर बुरा दर बस करता, तुम दोनों में से एक टीम बार होता वो इंडिया होता, इंडिया को हम पहले बार करता, क्योंकि 5 तारीख को इसका पचामा हम उतारता, तुम सफर करता, और यूएस वालों तुम अगर पाकिस्तान को ठोक दो, दोनों को पक्का साफ। बिल बरेनी तुम टेंशन नहीं ले यार, पाकिस्तान को तो पक्का रौंद के रख देंगे, केवल मैच शुरू होने दो, फिर देखना पाकिस्तान वालों का तमाशा कैसे चुन चुन के मारते हैं, रो रो के पहले मैच में ही भाग जाएंगे वतन वापस। अबे बस कर पटेल के बच्चे, तेरी पटेल बजा डालेंगे भूतनी के, ऐसा तेरा हाल करेंगे, भूतनी के तेरी प्लेट बना डालेंगे और उसी प्लेट में खाना परोसेंगे रोहित और कोहली को, फिर ये खाना देख लेना क्या हाल होता तुम्हारा। बाबर भैया जरा ध्यान से, जरा बच के रहना, ऐसा ना हो कि सचमुच भैया यूएस वाले आपको पेल डालें, फिर तो भैया आपका पत्ता साफ हो जाएगा, इसलिए, और आपका तो कोई पता नहीं चलता कब कहां किससे हार जाओ, इसलिए ध्यान से। कोहली बुरा इधर, तुम बाबर का चिंता छोड़ता, तुम अपना सोचता, तुम्हारा क्या होता, तुमको हम पाकिस्तान से पहले तुम्हारा और हमारा मैच होता ना 5 तारीख को, उसमें तुमको इसे मांजा लगाएगा, तुम्हारा किस्सा टाटा बाय बाय कर देंगे। यार लगता है इनको ज्यादा ही घमंड होता भैया आयरलैंड वालों को और यूएस वालों का, भैया इंडिया वालों उतारो घमंड 5 तारीख को कूट कूट के आयरलैंड का, और 6 तारीख को तो हम इनको ऐसा बजाएंगे यूएस वाले दोबारा टीम नहीं भेजे। छोड़ो यार फकर भैया, तुम अपना बल्ला चलाना देख लेना, हम तो तेल निकाल लेंगे आयरलैंड वालों का, देख लेना कैसे इनका भैया सत्यानाश करते, बाकी तुम्हारा पता कोई नहीं, लेकिन बढ़िया कर लेना, जीत लेना, इज्जत का सवाल है। रोहित बुरादर बस करता, ये लुल प्लेयर पाकिस्तान वाला क्या करता, तुम इनका चिंता छोड़ता, तुम अपना सोचता, ये सन ना होता तुमको आयरलैंड पेल डाले, इसलिए पाकिस्तान का तो पक्का कचरा करेंगे 6 तारीख को। अबे बस करो सुसुड़ी वालों, घंटा हो गया, फोकट में दिमाग खराब करके रखा है यूएस वालों, कनाडा से भूतनी वाले जीत गया गे, और दरियल तेरा बल्ला किया चल गया, बहुत घमंड है भूतनी के, तेरे को शून्य पे लुड़काएंगे, वो भी 3-4 बार एक ही मैच में, फिर पता चलेगा। छोड़ो बाबर भैया ये फोकट में टैं टैं करे, अबे यूएस वालों पाकिस्तान को इतना भी हल्के में नहीं लो भूतनी वालों, जब ये अपनी पे आते हैं तो हमको भी भगा भगा के मारते हैं, इसलिए पंगा नहीं लो कि तुमको ऐसा हल्का करे, तुम में कुछ बचे ही ना। भाई ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और 5 तारीख को हम आयरलैंड को ऐसा पेलेंगे, और 6 तारीख को उम्मीद करते हैं पाकिस्तान यूएस वालों को भी पेलेगा, आपको क्या लगता कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ओके बाय बाय।